हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, सुबह का नाश्ता चटपटा हो और बिना तेल मसाले वाला हो तो सुन के बड़ा अजीब लगा ना। तो आज हम बनाएंगे बिना तेल मसाले का बहुत ही चटपटा सा नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए हमने लिया है कुछ साबुत अनाज। ये चना है, गेहूँ है और सोयाबीन है, और आप चाहें तो इसमें मूँग भी मिला सकते हैं। और इसे रात भर हमने भिगो के छोड़ दिया था और सुबह धो के साफ करके अच्छे से और इसे कुकर में ले लिया है। एक कटोरी नाश्ता में भर भर के प्रोटीन, फाइबर और ढेर सारे विटामिन मिलने वाले हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे एक गिलास पानी, थोड़ा सा नमक। नमक हिसाब से डालेंगे क्योंकि इसमें अभी हमें काला नमक भी मिलाना है। तो अब ढक्कन लगा देंगे और इसे रख देंगे गैस पर, तेज़ आँच पर पहले रखेंगे। फिर जब एक सीटी आ जाएगा तो आँच को धीमा कर देंगे और इसे हम 4-5 सीटी आने तक पका लेंगे। और तब तक हमने ये काट के तैयार कर लिया है टमाटर, प्याज, मिर्चा और खीरा है। इसे बारीक बारीक काट लिया है और ये 4-5 सीटी के बाद हमने गैस से उतार दिया था और इसका प्रेशर निकल चुका है और ये बहुत ही बढ़िया सा पक चुका है। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो बस हमें इसी तरीके का चाहिए। और अब जितना कटोरी नाश्ता हमें तैयार करना है तो उतना हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे, बाकी का कुकर में ही रहने देंगे। और उसमें मिला देंगे टमाटर, प्याज और ये खीरा। अभी हम मिर्चा नहीं मिलाएंगे। और उस पर मिला देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और ये थोड़ा सा नींबू का रस। दोस्तों, यकीन मानिए, ये इतना चटपटा नाश्ता बनके तैयार होता है कि आप कटोरा भर के खा जाएंगे पर आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब चलते हैं सर्व करने। तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे बनाइएगा और खाइए, फिर इसका स्वाद देखिए। और ऊपर से हम थोड़ा सा प्याज और टमाटर डाल देंगे। और अब अगर जिसको मिर्चा खाना हो तो उसके प्लेट में मिर्चा डाल दीजिए। तो दोस्तों, तैयार है हमारा बिना तेल मसाले वाला चटपटा सा नाश्ता। और अब इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन लाने के लिए डाल देंगे भुना हुआ पोहा। आप इसकी जगह आलू भुजिया या बेसन भुजिया, जो भी आपको पसंद हो उसे मिला लीजिए, टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।